हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में लेक्चर नंबर 3 की। तो ये है क्लास आपकी EM1 की, जो आपके पॉलिटेक्निक और बीटेक जो भी स्टूडेंट हैं उसके लिए बहुत, उनके सबके लिए बहुत हेल्पफुल ये क्लास है। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने दो क्लासेस अभी तक कवर कर ली हैं और ये क्लास नंबर है आपकी 3, और जिसमें हम लोग नए टॉपिक को और कवर करेंगे आगे। तो देखिए, आज हम लोग जो बात करेंगे सीरीज डीसी मशीन में, हम लोग टाइप की बात कर रहे थे। तो आज जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स, हमने आपको बात बता दिया था, और आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में जो टाइप होता है हमारा 3rd, ये है हमारा सीरीज डीसी जनरेटर। तो सीरीज डीसी जनरेटर क्या होता है इसको समझते हैं, और किस तरीके से इसकी KVL इक्वेशन लगा करके इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। तो डीसी सीरीज जनरेटर की अगर हम बात करें तो कैसे इसको बनाएंगे, तो जब हम क्या करते हैं, हम आर्मेचर वाइंडिंग को, ये हमारा आर्मेचर हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग को अगर हम फील्ड वाइंडिंग से सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या है, सीरीज वाइंडिंग में हमने कनेक्ट कर दी है आर्मेचर के साथ में, ये हमारी क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। तो ये फील्ड वाइंडिंग जो है हमारी सीरीज में कनेक्ट हो गई है, तो इस टाइप का जो हमारा जनरेटर कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाता है, सीरीज डीसी जनरेटर कहलाएगा। अब जनरेटर है तो यहाँ से करंट हमारी क्या होगी, बाहर को तरफ निकलेगी, जिसको आर्मेचर करंट कहते हैं, यानी कि आर्मेचर से जो करंट बाहर निकलेगी उसको आर्मेचर करंट कहेंगे। और इसमें हम बात करते हैं कि जो लोड भी हम लोग इसमें लगा देते हैं, मान लो यहाँ पे, चलिए हटा देते हैं इसको, यहाँ पे अगर लोड की बात करें तो यहाँ पे एक हमने मान लिया ये लोड लगा दिया, और लोड के अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज होता है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया। इसमें हमारा क्या होता है, EG होता है और RA होता है हमने मान लिया, और यहाँ पे जो करंट हमारी जाएगी वो कौन सी करंट जाएगी, ISC जाएगी, क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस RSE है, इसलिए ये करंट जो जा रही है इसमें ISE जाएगी, और इसमें लोड में करंट जाने वाली क्या कहलाएगी, IL कहलाएगी, लोड करंट कराएगी। तो ये हमारा क्या होगा, डीसी जनरेटर का डायग्राम बन गया। तो सिंपली आप यही कहोगे डीसी सीरीज जनरेटर कब कहलाता है, जब हम फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगा, डीसी सीरीज जनरेटर कहलाएगा। अब इसमें से हम सेम उसी तरीके से KVL लगा करके इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। तो हमको अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है तो आर्मेचर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस लिखेंगे, और एक जनरेटेड वोल्टेज बना लेंगे EG, और यहाँ से एक सीरीज वाइंडिंग हमारी लगी है ये बना ली RSE। सेम उसी तरीके से आपको बना लेना है, और यहाँ पे क्या है, लोड लग गया, ये है टर्मिनल वोल्टेज। अब इसमें हम क्या करेंगे, KVL लगा देते हैं। तो जब आप KVL लगाओगे तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो EG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B प्लस IA RA प्लस के ISE और RSE, ये इक्वेशन आ जाएगी जब आप KVL लगाओगे। अब देखिए, यहाँ से हमारी जनरेटेड वोल्टेज का इक्वेशन निकल के आ गया। दूसरा हम क्या देखेंगे कि जो करंट है हमारी, यहाँ से जो आर्मेचर करंट जा रही है वो करंट क्या होगी। देखिए, ये जो आर्मेचर करंट है वही ISE है और वही IL है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आर्मेचर करंट जो होगी वो ISE के इक्वल है, और ISE इक्वल है किसके, लोड करंट के इक्वल है। तो क्या हम इस इक्वेशन को, इसकी जगह पे जो IS था ISE, इसकी जगह पे क्या हम IA नहीं लिख सकते हैं क्या। तो हम मान लो इसी इक्वेशन को, फर्स्ट को, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, EG इक्वल्स टू V प्लस IA RA।
अब ISA की जगह पे क्या पुट करना है हमको, क्योंकि ये IA, तो IA और RSE, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, EG बराबर V प्लस IA, अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, RA प्लस RSE, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ से ये जनरेटेड वोल्टेज की इक्वेशन हो जाएगी आर्मेचर करंट के टर्म में, ठीक है। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बताइए इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटेड वोल्टेज। अब तीसरी चीज़ हम क्या लिखते हैं इसमें, तीसरी चीज़ हम लिखते हैं जनरेटेड पावर। तो जनरेटेड पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए, जनरेटेड अगर पावर की बात करें डीसी सीरीज में, जनरेटेड पावर तो हम पीजी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्या हो जाएगी, देखिए जनरेटर पावर, पावर की बात करें तो क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, और जनरेटर है तो जनरेटर में वोल्टेज क्या उत्पन्न हो रहा है, ई जी, करंट क्या उत्पन्न हो रही है इसमें, आई ए, तो यही पावर हो जाएगी। ऐसे ही चौथा हम क्या देखेंगे, पावर जो है लोड कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, यानी कितनी पावर खपत कर रहा है, तो लिख सकते हो पावर एट लोड, लोड पर पावर कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी पी, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी एल, पी एल केस टू क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए टर्मिनल वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या है, वोल्टेज ये है और करंट क्या जा रहा है, आई एल, तो पावर क्या हो जाएगी, सेम पावर वही होगी, टर्मिनल वोल्टेज इंटू लोड करंट, ठीक है। तो इतनी सारी इक्वेशंस को आपको लिखना होता है जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं डीसी मशीन को, या डीसी जनरेटर को बात करें, या मोटर की बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये डीसी सीरीज जनरेटर होता है। अब इसी बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर आपको इक्वेशन लिखना आ गया है तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये जनरेटर, डीसी जनरेटर की बात हो गई। नेक्स्ट जो हमारा मोटर, मोटर या जनरेटर की बात करें तो हम जनरेटर डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो जनरेटर है हमारा क्या है, कंपाउंड डीसी जनरेटर। अब जो कंपाउंड डीसी जनरेटर की बात करते हैं, तो कंपाउंड डीसी जनरेटर हमारा दो टाइप का होता है, ये हमको पता है, हमने पढ़ा है, क्या है, एक तो लॉन्ग शंट कंपाउंड होता है, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर, और एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, कंपाउंड जनरेटर, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। देखिए लॉन्ग शंट कंपाउंड में क्या होता है कि इसमें हम जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर के साथ में हमने एक सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट कर दी, आरएसी, हमने क्या किया, एक आर्मेचर लिया और आर्मेचर के साथ में हमने सीरीज वाइंडिंग को कनेक्ट किया, और इन सब का कॉम्बिनेशन के साथ में हम एक शंट वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा क्या होगा, आरएसएच, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक लोड कनेक्ट कर दिया, लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ये लोड है, और यहाँ पे जो करंट जाएगी वो कौन सी जाएगी, आईएसएच, और यहाँ पे करंट कौन सी जाएगी, देखिए देखिए यहाँ पे आईए, यहाँ से आईए निकलेगी, और यहाँ पे करंट क्या होगी, आईएसई होगी, ठीक है, और यहाँ जो करंट जाएगी वो आईएल जाएगी। तो इस तरीके जो हमारा जनरेटर होगा वो कंपाउंड लॉन्ग शंट कंपाउंड कहलाएगा, यानी कि सी आर्मेचर के साथ में जो सीरीज वाइंडिंग है, इन पूरे का कॉम्बिनेशन के साथ में अगर हम शंट वाइंडिंग को या फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, तो ये हमारा लॉन्ग शंट बन जाता है। इसी तरीके से शॉर्ट शंट की अगर बात करें तो आर्मेचर, आर्मेचर के साथ में हमने क्या कर दिया, ओनली आर्मेचर के साथ में फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर दिया, केवल आर्मेचर के साथ में फील्ड वाइंडिंग यानी कि आरएसएच कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, आरएसी कनेक्ट कर दिया, यानी कि सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से लोड कनेक्ट कर दिया, और ये जो बन जाएगा लोड है, इसके अक्रॉस वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, यहाँ से जो करंट निकलेगी वो आर्मेचर करंट निकलेगी, इधर जो करंट जाएगी वो क्या हो जाएगी, आई एसी हो जाएगी,
और इधर करंट जो जाएगी वो हाई SH हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा जो डायग्राम बनेगा वो शॉर्ट शंट का हो गया, यानी कि ये शॉर्ट शंट का और ये लॉन्ग शंट का। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें, इस साइड लिख लेते हैं इसको, लॉन्ग शंट में अगर देखिए हम KVL इक्वेशन लगाते हैं इस पूरे KVL में, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए क्या होगी EG की। तो सबसे पहले EG हम निकालते हैं, तो EG क्या बनेगा, B प्लस IARA प्लस IA, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ISARAC, ठीक है। तो ये जनरेटेड वोल्टेज निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें तो ISC जो है वो IA के बराबर है कि नहीं, देखिए यहाँ पे जो करंट जा रही है ये करंट यहाँ पे ISC के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि EG बराबर B प्लस IARA, और ISC की जगह पे हम क्या रख सकते हैं IA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा IARAC, ये हो जाएगी इक्वेशन। बोलिए इस तरीके से जनरेटेड वोल्टेज का फॉर्म बन गया यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है। और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज के अगर निकालना चाहें शॉर्ट शंट के लिए, तो इसके लिए भी हमारा जनरेटेड वोल्टेज का क्या होगा, सेम ही इक्वेशन आएगी। जब आप KVL इसे लगाओगे तो सेम इक्वेशन आएगी यहाँ पे, ठीक है। EG की क्या आएगी, B प्लस IARA, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B प्लस IARA प्लस के IARAC। तो यही इक्वेशन हमारी जनरेटेड वोल्टेज की कंपाउंड के केस में हमारी सेम ही आएगी। बट यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो करंट है शॉर्ट शंट के लिए, जो करंट IA होगी, दूसरा अगर हम बात करें IA जो है वो क्या होगी, ISH प्लस ISC होगी कि नहीं होगी, बताइए। और हम कह सकते हैं ISC यहाँ पे जो है, जो सीरीज करंट है, देखिए यही करंट, ये वाली करंट, ये लोड करंट के बराबर है, तो क्या हम ISC को IL के बराबर रख सकते हैं, बताइए, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम और इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो IA होगा वो हो जाएगा ISH प्लस के IL, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा करंट हो गया। ऐसे ही अगर हम शॉर्ट शंट की, लॉन्ग शंट की बात करें, तो चेंजेस सिर्फ क्या आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो सेम हम दोनों को एक साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंज केबल आएगा। तो इधर साइड हमने क्या किया था, इधर हमारा शॉर्ट शंट चल रहा था और इधर लॉन्ग शंट। तो लॉन्ग शंट में हमारी जो जनरेटेड वोल्टेज की इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, बी प्लस IARA प्लस IARAC, और सेम हमारी करंट यहाँ से EG की ये भी आई थी, बी प्लस IARA प्लस IARAC। यहाँ पे जो करंट आई थी, देखिए यहाँ पे हम करंट जो निकाले थे वो क्या निकल के आई थी, जो ISC है या जो IA है वो हमारी क्या हो जाती है, देखिए IA जो निकल के आती है वो क्या होती है, ISH प्लस के IL, और यहाँ पे जो ISC है वो IA के इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो IA है वो किसके इक्वल है, वो IA इक्वल है ISH प्लस के ISC, ठीक है। और यहाँ पे जो ISC है वो किसके इक्वल है, IL के है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे इस फॉर्म में हम IL भी रख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, IL की जगह पे ISC भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फोर्थ मेन डिफरेंस हमारा इसमें ये है कि जब हम ISH निकालते हैं, देखिए लॉन्ग शंट में जब हम ISH निकालते हैं, ये वाली करंट,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वी होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो लॉन्ग शंट के लिए जो करंट होगी वो हम इसको लिख तरीके से लिख सकते हैं, बी प्लस बी सॉरी बी अपॉन आई बी अपॉन आर एस एच, यही हो सकता है। जबकि यही मेन डिफरेंस होता है हमारा आई एस एच निकालने का। अब देखिए यहाँ पे जो करंट है शॉर्ट शंट में, अब देखिए ये जो वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज, अब इसके अक्रॉस बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया सीरीज में। तो इसके कारण जब वोल्टेज जो होगा तो कहीं ना कहीं ये वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है इसको हम ऐड कर लेंगे इतना पूरा, और ये वोल्टेज ऐड अपॉन हम आर से करेंगे तभी हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूले में केवल यही चेंज आएगा, क्या हो जाएगा, बी प्लस आई ए आर एस ई अपॉन आर एस एच, बस सिर्फ ये चेंज आएगा और सारी इक्वेशंस हमारी सेम हो जाएंगी। देखिए लॉन्ग शंट के केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो हमारा शंट वाइंडिंग के पैरेलल हो जाएगा वोल्टेज, तो सेम रहेगा वोल्टेज। लेकिन सीरीज के केस में शॉर्ट शंट के केस में बी अपॉन आर से ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, क्योंकि ये सीरीज में वाइंडिंग कनेक्ट होती है। अब वोल्टेज जो है वो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल नहीं होना होगा, इसलिए। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको, बताओ ठीक है। तो इसको सही से लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस आई ए सॉरी ये हो जाएगा बी प्लस एक मिनट बी प्लस आई एस ई आर एस ई अपॉन आर एस एच, तो ये इक्वेशन एक्स्ट्रा आ जाएगी। और सेम वही इक्वेशन आगे लिख लोगे तो जनरेटेड पावर होगी वो क्या हो जाएगी, जनरेटेड पावर सिंपली हो जाएगी हमारी पी जी इक्वेश टू ई जी और आई ए। ऐसे यहाँ पे जनरेटेड पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी पी जी इक्वेश टू ई जी प्लस ई जी डॉट आई ए। ऐसे ही सिक्स जो इक्वेशन लिखोगे वो क्या हो जाएगी, लोड के क्रॉस पावर, यानी कि पी एल इक्वेश टू क्या हो जाएगा, बी इंटू आई एल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोड इक्वेशन लोड पे क्रॉस पावर, पी एल इक्वेश टू क्या हो जाएगा, वी इंटू आई एल। बस इतनी इक्वेशंस को आपको साथ में देख के चलना है। तो ये शॉर्ट शंट हो गया और ये लॉन्ग शंट हो गया, तो ये दोनों को अगर साथ देखते चलोगे कंपेयर कराते चलोगे तो सिर्फ चेंज किस में आएगा, इसमें चेंज आएगा केवल आई एस एच निकालने के लिए, ठीक है, और सारी इक्वेशंस में सेम रहेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, डीसी जनरेटर के टाइप्स हमारे कवर हो गए हैं। अब हम लोग डीसी कंपाउंड जनरेटर में कुछ और टॉपिक्स, इसको और फर्दर क्लासीफाई हम कर सकते हैं, हमने शायद आपको बताया भी होगा। जो कंपाउंड जनरेटर होता है, कंपाउंड जनरेटर की अगर बात करते हैं तो इसमें दो टाइप के हमने बताया, एक लॉन्ग शंट होता है एक शॉर्ट शंट होता है, ठीक है। और इसके भी फर्दर अगर क्लासीफाई करोगे आगे तो इसमें एक होता है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कंपाउंड, और दूसरा होता है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, ठीक है। ऐसे ही इसके भी दो होते हैं, एक डिफरेंशियल कंपाउंड और दूसरा होता है क्यूमुलेटिव, ठीक है, क्यूमुलेटिव। ऐसे ही हमारा क्यूमुलेटिव में तीन टाइप के और आते हैं, एक फ्लैट टाइप आता है, एक अंडर टाइप आता है, अंडर टाइप कंपाउंड, एक होता है ओवर कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें सिंपली अंडर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड और ओवर कंपाउंड, ये सब हमारे आते हैं जो सीरीज में बाइंडिंग्स होती है उसके नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आगे और देखेंगे, ठीक है। तो इसके भी तीन यही होते हैं, ओवर और अंडर कंपाउंड, ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड। तो इस तरीके से हमने आज अपने पूरे कवर कर लिए हैं कि किस तरीके से हमारा डीसी शंट जनरेटर हो गया या सीरीज जनरेटर हो गया या कंपाउंड जनरेटर हो गया, किस तरीके से केवीएल इक्वेशन लगा कर उनके सारी इक्वेशंस को देखते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए हम इसकी बात करेंगे आगे करेक्टरिस्टिक की,
कि कैसे हम लोग डीसी जनरेटर की करेक्टरिस्टिक बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देना होता है करेक्टरिस्टिक बनाते समय, तो वो चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चैनल पे अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स कवर कर सकते हैं अपना, चाहे डिप्लोमा के स्टूडेंट हों चाहे बीटेक के स्टूडेंट हों। ठीक है, तो चलिए फिर। और इसका अगर नोट्स जिसको चाहिए हो तो नोट्स हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, तो आप नोट्स भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा कवर आपका सिलेबस कर दिया जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर, आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।